ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की क्या अलामत है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी के हाइपरटेंशन की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और ब्लड प्रेशर की कौन सी दो बुनियादी इकसाम भी है, ये दोनों किन किन टाइप्स या अवामिल की फैक्टर्स की वजह से होती हैं, आइए जानते हैं। आपने रबड़ से बना वाटर पाइप तो देखा ही होगा, जब इस पाइप में पानी आ रहा हो और आप इसके मुंह को थोड़ा सा बंद कर दें तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, कि आपने कई बार महसूस किया होगा खासकर पौधों को पानी देते हुए। लेकिन अगर इसका मुंह बिल्कुल सील कर दिया जाए और इसमें से पानी बिल्कुल भी ना आ सके तो क्या होगा, जाहिर है पाइप फट जाएगा, मगर क्यों? इसकी वजह यह है कि पाइप में बहता पानी पाइप की दीवारों पर प्रेशर डाल रहा है और अगर पाइप में कोई रुकावट या ब्लॉकेज आ जाए या फिर पानी ही गाढ़ा हो जाए तो ये प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमारी रगों में होता है। रगों में दौड़ता खून रगों की दीवारों पर प्रेशर डालता है और इसी दबाव या प्रेशर को तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर रगें चर्बी वगैरह से तंग हो जाए, इनमें लचक कम हो जाए या खून गाढ़ा हो जाए तो इनकी दीवारों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कितना ब्लड प्रेशर हो तो हम इसे नॉर्मल कहेंगे, तो इसका जवाब है 80/120, यानी ऊपर वाला 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80। ये बात अच्छी तरह जान लें कि आप जवान हो, दरमियानी उम्र के या फिर बूढ़े, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा 80/120 ही होता है। असल में ब्लड प्रेशर को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली हमने आपको बता दी, ये है नॉर्मल या हेल्थी यानी सेहतमंद कैटेगरी। इसमें ब्लड प्रेशर हर सूरत 80/120 या इससे कम होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 129 से कम हो जाता है और नीचे वाला 80 से कम। अगर आपका बीपी इस कैटेगरी में आता है तो इसके लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल तब्दील करना होता है, यानी परहेज करना, सेहतमंद खुराक खाना और वर्जिश या वॉक वगैरह करना। तीसरी कैटेगरी को हाई ब्लड प्रेशर की पहली स्टेज कहते हैं। इसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक होता है और नीचे वाला 80 से 89 तक। और इसके बाद की कैटेगरी हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी स्टेज है। इसमें ऊपर वाला बीपी 140 या इससे ज्यादा होता है, जबकि नीचे वाला 90 या इससे ज्यादा। और आखिरी कैटेगरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। ये इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, जिसमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से बढ़ जाता है और नीचे वाला 120 से। अगर किसी का बीपी इतना हाई हो जाए तो उसे फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस कंडीशन में सीने और सर में दर्द हो सकता है, सांस रुकने लग सकता है, आंखों से धुंधला नजर आने लगता है या नजर आना ही बंद हो जाता है और नाक से खून भी आ सकता है। ऐसे मरीज को फौरन से पहले इलाज की जरूरत होती है। ये तो थी वो अलामत जो हाई बीपी की आखिरी स्टेज के मरीज में सामने आ सकती हैं। वैसे आम मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की अलामत की बात की जाए तो ये इतना खतरनाक मर्ज है कि ज्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामत जाहिर ही नहीं होती, मगर ये रगों और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जैसे कि दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को खराब करने लग जाता है। चूंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 52% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है। जी हाँ, 52% यानी आधी से ज्यादा आबादी इस खतरनाक बीमारी का शिकार है। खैर, अलामत की बात हुई तो हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आ सकते हैं, आंखें लाल हो सकती हैं और तो और चेहरे और जिल्द पर सुर्ख धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो आखिर कैसे पता लगेगा कि